हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 9, कबीर की साखियाँ, जिसमें कबीर ने मनुष्य की प्रवृत्ति का उल्लेख किया है, मानव के स्वभाव का। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेसन की। फर्स्ट है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जाति आप लोग सब समझते हो कास्ट, साध यानी साधु या सज्जन पुरुष, पूछ लीजिए ज्ञान, ज्ञान यानी नॉलेज, मोल करो तरवार, तरवार यानी तलवार और मोल यानी मूल्य, म्यान म्यान वो होती है जिसमें हम तलवार रखते हैं। तो इसमें कबीरदास जी ने मनुष्य को जाति से ऊपर उठकर सोचने की सलाह दी है। वे कहते हैं कि हमें किसी भी साधु या सज्जन पुरुष की जाति से जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि हमें उसका आकलन उसे परखना चाहिए। किस आधार पे? उसके ज्ञान के आधार पे, उसके ज्ञान के आधार पर ही हमें उसको परखना चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, क्योंकि जब हम तलवार लेने जाते हैं तो हम उसकी कीमत उसके म्यान को देखकर नहीं आंकते। तो इसी तरह से हमें मनुष्य को भी उसकी जाति के आधार पर नहीं, बल्कि उसके ज्ञान के आधार पर ही आंकना चाहिए। नेक्स्ट है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टी ये, वही एक की एक। आवत यानी आती है, गारी यानी गाली अपशब्द, उल्टत यानी पलटकर, होई यानी होते हैं, अनेक यानी बहुत सारे। अब इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हम अपशब्द के बदले, यानी कोई अगर हमें बुरा शब्द कह रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, और अगर हम उसके बदले अपशब्द ही सामने वाले को कहते हैं, तो ये सिर्फ कीचड़ में हाथ मारने के जैसा है। तो चलिए देखते हैं इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि कोई जब हमें अपशब्द कहता है या कोई हमें जब गाली देता है तो वो एक होती है, उल्टत होई अनेक, यानी जब हम पलट कर उसको गाली देते हैं या उसको अपशब्द कहते हैं तो वो एक एक करके अनेक हो जाती है। कह कबीर नहीं उल्टी, वही एक की एक। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें और वैसे ही गाली को उस मतलब सामने वाला अगर हमें कोई बुरा भला कह रहा है तो हमें उसको देखना नहीं चाहिए, मतलब हमें उसको वो सुनना ही नहीं चाहिए। तो वो गाली जो है वो एक की एक ही रह जाएगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। यानी हमें अपशब्द जो सामने वाला भी अगर हमें बुरे शब्द कह रहा है तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है, माला तो कर्मे फिरे, जीभ फिरी मुख माही, मनवा तो चहु दिसी फिरी, यह तो सुमिरन नाही। माला जो मंदिरों में हम लोग बैठकर जो लकड़ी की बनी होती है वो माला, कर यानी हाथ, जीभ यानी जीभ, मुख माही, माही यानी मुख में, मनवा यानी मन, दसो यानी दस, दिसी यानी दिशाएं, सुमिरन यानी स्मरण करना, याद करना किसी को। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा मन क्या है, चंचल है। इसमें कबीरदास जी ने मनुष्य के चंचल स्वभाव के बारे में बताया है कि जो मनुष्य है वो अपने हाथ में माला लेकर बैठ जाता है और उसे फेरता रहता है कि मैं तो भगवान का ध्यान कर रहा हूँ। जीभ फिरे मुख माही, और जीभ जो है वो मुख के अंदर ही राम 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 कहती हुई घूमती रहती है। लेकिन जो हमारा मन है, मनवा तो चहूं दहूं दिसी फिरे, यानी जो हमारा मन है वो तो दशों दिशाओं में डोलता रहता है। अगर हम मंदिर में भी बैठे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ भगवान को ही देख रहे हैं या भगवान के बारे में ही सोच रहे हैं, क्योंकि हमारा मन जो है वो चंचल है, वो कभी एक जगह स्थिर नहीं रह सकता। तो ये किस प्रकार का सुमिरन हुआ? ये तो कोई सुमिरन नहीं है, ये तो सिर्फ क्या है, एक दिखावा कि हमने माला ले रखी है और हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं, लेकिन हमें बताए कि हमारा मन कहाँ कहाँ डोल रहा है। नेक्स्ट है, कबीर खास न नींदी, जो पाँव तले होए, उड़ी पड़ी जब आंख में, खरी दुहेली होए। इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हमें किसी भी मनुष्य को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो देखिए,
कबीर जी कहते हैं कि कबीर घास ने नींदिए, यानी हमें कभी भी घास को छोटा समझकर पैरों तले नहीं रौंदना चाहिए जो पांव तले होए। यानी जब भी अगर घास हमारे पांव के नीचे है तो हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसे रौंदना नहीं चाहिए। उड़ी पड़ी जब आँख में खरी दुखैली दुहेली हुई, यानी जब हमारी आँख में एक छोटा सा तिनका भी गिर जाता है तो बहुत ही दुख होता है, बहुत ही परेशानी होती है। तो हमें इसी प्रकार से हमें किसी भी मनुष्य को छोटा नहीं समझना चाहिए। नेक्स्ट है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। जग यानी संसार, बैरी दुश्मन, कोई कोई नहीं, मन शीतल, शीतल यानी शांत होए, अगर हमारा मन शीतल होगा शांत होगा। या आपा, आपा यानी स्वार्थ, अहम कह सकते हैं हम, डारी यानी छोड़ देना उसको अहम को, दया करें सब कोई, सब पर दया करके। आप देखो इसमें कबीर जी क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि अगर हमारा मन शांत है, अगर हमारा मन शीतल है शांत है, तो इस संसार में हमारा कोई भी शत्रु नहीं है, हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। या आपा को डाली दे दया करे सब कोई, और अगर मनुष्य अपने अहम को अपने स्वार्थ को त्याग देगा तो सब एक दूसरे पर दया करके प्रेम और सद्भाव के साथ रहेंगे। तो मनुष्य में जो इन दोहों में कबीर ने मनुष्य के स्वभाव का वर्णन किया है और बताया है कि अगर हम अपने स्वार्थ को अपने अहम को त्याग देंगे तो हम भी सुख शांति से सुखपूर्वक रह सकते हैं और आपस में प्रेम और सद्भाव के साथ ही रहेंगे। क्योंकि जब एक अपने स्वार्थ को त्याग देगा तो नेचुरल सी बात है कि सामने वाला भी उसे देखकर उसके जैसा ही बनने की कोशिश करेगा, तो पहल किसी एक को करनी होगी। तो ये था हमारा आज का लेसन, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।